हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये शाम के ना 3 बजे से व्लॉग मैंने अपना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैं आपको बताऊँ संडे वाले दिन मेरा फास्ट था, उससे एक दिन पहले पूर्णिमा थी, तो मेरी तबीयत थोड़ा सा ऐसी बिगड़ गई थी बहुत ज़्यादा। अभी पता नहीं क्या हो गया, मुझे बहुत वीकनेस आ गई है। तो सुबह से बस खाना बना के मैं लेटी हुई थी, पर घर बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त पड़ा था, कुछ भी सुबह से करने की इच्छा नहीं हो रही थी। पर जब शरीर अपने आप से ठीक होता है ना, तो ऑटोमेटिक अच्छा लगने लगता है। तो बस मैं उठी और मैंने सोचा कि आज बस ये सारी क्लीनिंग वगैरह करती हूँ जो मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाई थी। और आप लोग भी ऐसा ही किया करो, जब आपकी बॉडी नहीं ठीक हो, नहीं अच्छा लग रहा है, तो आप रेस्ट किया करो, क्योंकि बॉडी को आराम देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी आवाज लगती जब भी बजते, कुछ लोग कह रहे थे कि अच्छी। तो फ्रेंड्स, जब मैं लेकर आई थी इस चैन को, तो काफ़ी लोगों ने पॉजिटिव कमेंट्स किए थे, काफ़ी लोगों ने मतलब इसको अच्छा नहीं किया था। सबकी अपनी अपनी सोच है, पर मुझे ये बड़ी अच्छी लगती है जब हवा का झोंका आता है और ये बजती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं चादर वगैरह सब सेट कर रही हूँ, ऊपर से लेकर आई थी कवर, और बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था। जब मैं कहती हूँ ना कि घर में जब कोई लेडीज़ होती है जो काम करने वाली, अगर उसकी तबीयत बिगड़ जाए, कुछ भी हो जाए, फिर तुम देखो घर के क्या हाल होते हैं। घर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं रहता है, इसलिए भाई अपना ध्यान रखो। अभी मैंने अब सोचा है फाइनली ये कि रविवार के जो मेरे फास्ट हैं वो अभी मैं नहीं रखूंगी थोड़े टाइम के लिए, जब तक मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती हूँ, मेरे अंदर वो ताकत नहीं आ जाती है, क्योंकि व्रत थोड़ा सा मुझे ना ये कठिन पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आ गई थी बालकनी में, और बालकनी में आपको बताऊं, ये जब मैंने 16 लक्ष्मी जी के व्रत करे थे तब की हवा ने क्यारी, और ये सारे फूल वगैरह, अभी नवरात्रि आई, फिर गणेश जी, तो हम बाहर डालने नहीं जा पाए थे। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा मतलब फूल वगैरह सब इकट्ठे हो गए। तो इस कट्टे में भर के मैं बाहर गार्डन में रख के आऊँगी, और जब भी मैं जाऊँगी जहाँ पर ये सिराए जाते हैं, जहाँ पर इनको ठंडा किया जाता है, वहाँ पर लेकर जाऊँगी। और प्लांट में भी ना काफ़ी ज़्यादा पत्ती हो गई थी, सूखे हुए पत्ते, तो मैंने कहा इनको भी क्लीन कर देती हूँ। अभी टाइमिंग को 4 बज रही थी, तो जब मेरा मन अच्छा होता है ना, मैं तभी अपना काम करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ज़बरदस्ती कोई काम करूँ। तो अभी मुझे अच्छा लगा, बॉडी मेरी साथ दे रही थी। तो और सुबह से तो आपको मैं बता नहीं सकती कितनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब थी। फिर इसके बाद में पेड़ों के भी हाल ऐसे हो जाते, ऐसी वाली धूप हो रही ना, एक दिन भी पानी ना डालो ना, तो अजीब से वो पेड़ पौधे मेरे सूखने लगते हैं। इन पेड़ पौधों में कोई भी एक्स्ट्रा खाद नहीं डाल रही हूँ, कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। और मेरी तुलसी जी देखो, मैंने बिठाल दी है पाटे पर, लाल कपड़ा बिछा के, और बढ़िया। कल मैं अब इनके लिए आज ही जाऊँगी शाम को, चुनरी वगैरह सब चीज़ें लेकर आऊँगी, सिंगार का सामान। तो यहाँ पर बालकनी मैंने इसलिए शाम के वक्त अभी 4 बजे धुल दी, क्योंकि सुबह इतना समय नहीं मिलता है। मॉर्निंग में 4 बजे उठती हूँ, सब जगह दीपदान करना पड़ता है, जल्दी जल्दी उठो, इतना समय नहीं मिल पाता है, तो इसलिए एक दिन पहले ही आधे काम कर लो ना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर मैंने इस वाले रूम में भी चादर वगैरह नहीं बिछी थी, तो मैंने कहा अब न्यू बेड शीट इसमें लगा देती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा है कि ज़रा भी मेरी तबीयत ख़राब हो ना, कुछ भी हो ना, तो फिर जो जिस बेड शीट पर मैं लेटी हूँ, तो सबसे पहले मैं उसको हटाती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं निगेटिविटी हो जाती है कि हाँ बीमार से उस बिस्तर पर रहें। तो सबसे पहले तो उस बेड शीट को ही मैं हटा देती हूँ, और यहाँ पर बिछा रही हूँ दूसरी बेड शीट। और काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट है कि आपने अपने गद्दे नहीं चेंज करे, तो धीरे धीरे मैं चेंज करूँगी। और एकदम से मैं आपको बताऊँ, मैंने अपने हस्बैंड के ऊपर कभी किसी चीज़ के लिए वर्डन नहीं डाला है कि आप ये कराओ, ये जो बेड है और ये ड्रेसिंग टेबल, जो भी रूम में करा रही हूँ, सब कुछ मैं ही करा रही हूँ। मैं कभी उनसे नहीं बोलती हूँ कि आप कराओ ये वो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उनके ऊपर और भी बहुत सारे खर्चे हैं, तो इसलिए नहीं बोलती हूँ। अब धीरे धीरे करके मैं गद्दे भी लाऊँगी, क्योंकि मुझे ज़रूरत है। अब ये वाले जो गद्दे हैं ना, वो पहले जैसे नहीं रहे हैं, और वैसे मुझे जो डॉक्टर गद्दे आते हैं ना, उसकी ज़रूरत, क्योंकि मेरे पीछे बैक में गैप आ गया है, तो उस इन गद्दों पर मुझे रेस्ट मिलता है
ही नहीं है बिल्कुल भी, तो इसलिए मुझे वो जो गद्दे हैं वो लाना ही पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, अगर आप नॉर्मली भी लेने जा रहे हो ना, 15-20 हज़ार से कम के नहीं आएंगे, और अच्छे लो तो फिर वो 25-30 हज़ार के बैठते हैं जाके गद्दे। तो इसीलिए थोड़ा सा अभी रुकी हूँ, फिर आराम से लूँगी। बस यहाँ पर बहुत हो गई बातें। फिर यहाँ पर मुझे सबसे बढ़िया मेरी ड्रेसिंग टेबल बहुत अच्छी लगी कि बैठ के मैं अपना मेकअप कर पाती हूँ, जो भी मेकअप तो नहीं थोड़ा बहुत लगा पाती हूँ। और सारा मैंने अपना जो डेली का जो सामान है ना, स्किन केयर जो नाइट में करती हूँ, मॉर्निंग में स्किन केयर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मॉर्निंग में भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं लगाती हूँ और नाइट में भी, ये चीज़ें मैं कभी भी स्किप नहीं करती हूँ, तो इन मैं ज़रूर मतलब अपनी स्किन में लगाती हूँ। गुलाब जल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उसका स्प्रे मैं अपने चेहरे पर हर 3-4 घंटे में करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ऊपर का सारा काम ख़त्म करके अब मैं आ गई हूँ फिलहाल नीचे, और दीपक वगैरह मैंने लगा दिए हैं, और मैंने दिखाया नहीं आपको, मैंने कहा डेली तो मैं पूजा के ब्लॉग शेयर करती हूँ। और यहाँ मेरी नायशा को पहले क्रेविंग हुई, अरे तो गिर जाऊँगी, मीठा खाने की, देख गैस पे कड़ाई गर्म है, तो पहले खाने की हुई मीठा खाने की, अब कह रही मम्मा चटपटा खाना है। हाँ, चटपटा क्या बनाऊं? ओ वो अंकल क्या कहती है पास वाले, क्या मैं तो बोल दिया करो जो भी काम उनको लाना होते। कौन से अंकल? ये पास वाले जिन्हें क्रेसी लिए थे। देखो तो सही है इसकी बातें, तो देखो मेरी क्यूटी, जल्दी जल्दी से सामान वो सामान करी, जल्दी जल्दी से खाना बना लूँ, फिर इसके बाद में जाते हैं। सब्जी तो पापा जी ने बना दी, अभी दिखाती हूँ आपको, कटहल की सब्जी बनी है, और मैं फटाफट से रोटियाँ अभी दिखा देना, मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। फिर मुझे पीछे जाना है, थोड़ा सा तुलसी मैया के लिए सिंगार का सामान लाना है, कल मंगलवार हो जाएगा तो ला नहीं सकते, मंगलवार को सुहाग का सामान नहीं खरीदते हैं। पीछे जाके बहुत सारी चीज़ें, अपना जो करवा चौथ वाला मेरा ब्लाउज है वो एक बार चेक करके आती हूँ कि ठीक तरीके से बन रहा है कि नहीं, नहीं तो उस दिन नहीं हो पाएगा। तो चलो फटाफट से रे, उसके बाद क्या करेंगे पीछे? और कार्तिक स्नान आप लोग कर रहे हो कि नहीं? अगर आप लोग चाहते हो मैं अपना मॉर्निंग का रूटीन दिखाऊँ कार्तिक स्नान वाला, तो आप लोग मुझे कमेंट करिए। हाँ, डॉक्टर के यहाँ भी जाएंगे क्योंकि नायशा की स्किन में पता नहीं क्या हो रहा है, ये सब रेड रेड हो रहा है जो कि कैमरे में नहीं दिख रहा है। अब उतरो जल्दी, लेट हो रहा है, हलवा खाना है। सुनो ए, नायशा बहुत मार लगाऊंगी। नायशा इधर आओ, नायशा। पापा जी के हाथ की सब्जी जो कि राम रे, आज तो बिल्कुल होटल की तरह बनाई, कटहल की सब्जी। काला काला क्या पड़ा है? अच्छा, गरम मसाला है, गरम मसाला है पूरा, खूब लहसुन भर भर के डाला है इसमें। हाँ, कटहल की सब्जी, मैं रोटी बना लूँ। क्या था तो आजकल देखा, निकल पड़ा इसमें। लगाओ, लगा ले, तू भी लगा ले, आओ ना ऐसा, तुम नहीं लगाओगे? अच्छा लग रहा किचन में खड़े, खाती नहीं। चलो उधर ले, चलो पकड़ो, थोड़ा सा टेस्ट करो। नायशा क्यों ना इतनी अच्छा लग रहा, उस दिन अच्छे नहीं लग रहे थे, आज तो अच्छे लग रहे हैं। नायशा लेना, खा ले रहे, चलो मैं नहीं लूंगी। आपने क्या तो फ्रेंड्स, मेरी जो भी हैवी साड़ियाँ होती है, जैसे मैं जो करवा चौथ पे पहनने वाली हूँ, तो मैं इन भैया के यहाँ पर सिलवाती हूँ, जो कि भाभी हैं वो सिलती हैं, यहाँ पर दीदी जो कि इनकी वाइफ हैं, बहुत अच्छे ब्लाउज सिलती हैं यार, एकदम ऐसी फिटिंग आती है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो बस, और जो मेरे नॉर्मली पहनने वाले रहते हैं, जैसा कि मैंने आपने आपको बताया था कि 150 रुपये मेरा ब्लाउज बन के तैयार हो जाता है नॉर्मल साड़ियों के, तो मैं राम मंदिर पर सिलवाती हूँ। मार्केट से आ चुकी हूँ और देख सकते हैं मैंने कितने कलर के ब्लाउज़ लेके आई हूँ कि मैं ट्राई करके देखूँगी और फिर
बताऊंगी, फिर जो भी मुझे नहीं पसंद आएगा तो मैं वापस करूँ। तो एक तो मुझे ये वाला बड़ा अच्छा लगा, मतलब इसके कंपेयर ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि सेम सेम हो जाएंगे। और मैंने एक ये येल्लो वाला लिया, क्योंकि येल्लो वाली वो साड़ी है ना, तो उस पर ये कुछ न्यू पैटर्न थे इस तरह की आस्तीन है। और रेडीमेड मुझे आजकल ब्लाउज इतने पसंद आ रहे हैं, तो ये 280 रुपये का है, कुछ नहीं शायद ऐसे है सीधे, हाँ ऐसा है, 280 रुपये का ये वाला है। ये 200 का है, देख सकते हैं इसके बैक में डिज़ाइन अच्छी लगी। और अभी ठंड भी आ रही ना, तो ऐसे मोटे मोटे ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और ये येल्लो साड़ी के लिए, रेड साड़ी के लिए, और ये वाला वापस करूँगी, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा मुझे, तो इसको वापस करूँगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो रात मैंने अपना व्लॉग एंड नहीं किया था, अभी कुछ 9 बज रहे हैं और मैंने सोचा अपने व्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ और फिर से एक नया व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज मैं इस व्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कल के व्लॉग में आप देखिएगा, मैं मेहंदी लगवाने जाऊँगी आज, और करवा चौथ की थोड़ी बहुत शॉपिंग है वो करनी है, साड़ियाँ वगैरह लेनी है, तो वो कल के व्लॉग में आपको मिलेगा। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। ये पता है ये यहाँ पर पिंपल्स के निशान रह गए, ये धीरे धीरे जाएंगे।